दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर 69,000 कटा प्रकरण पर कल जो सुनवाई होनी है वो कोर्ट नंबर 1 में होगी। कोर्ट नंबर 1 में पहले जो सुनवाई थी वो सीजे की कोर्ट में होनी थी, चीफ जस्टिस की कोर्ट में होनी थी, लेकिन यहाँ पर रिजवान अंसारी ने यह कहा था कि उन्होंने सीजे की कोर्ट से मैटर हटवा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था अपने ऑडियो में कि उन्होंने ये मैटर जो है वो कोर्ट नंबर 3 में लगवाया है, लेकिन कल की जो सुनवाई होनी है वो कोर्ट नंबर 1 में होगी और माननीय जस्टिस पंकज जायसवाल और माननीय जस्टिस रजनीश कुमार जी की बेंच होगी। 9 फ्रेश केसेस के बाद एडिशनल में पहले नंबर पर यह सुना जाएगा। तो ये हो गई आपकी 69,000 कटा प्रकरण पर अपडेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दूसरी भी याचिका है, 69,000 यानी कि प्राथमिक से बीएड को बाहर करने की जो याचिका दायर की गई है, तो वो याचिका भी 69,000 जो कटा प्रकरण है उसी से कनेक्ट है, लेकिन इसकी जो सुनवाई होगी वो कोर्ट नंबर 2 में होगी और इसके बारे में भी जो कास्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूपी टेट 2017 की सुनवाई के बारे में, तो ये सीजे बेंच में होने वाली है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 फ्रेश केसेस के बाद ये जो मैटर होगा वो सुना जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है टीजीटी 2016 बायोलॉजी से संबंधित, उसके बारे में भी बात करेंगे और आज की कैबिनेट बैठक के बारे में भी बात करेंगे कि आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिए गए, और बाकी की न्यूज़ भी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आज एलटी ग्रेड के बारे में जो प्रदर्शन किया गया था आयोग पर, तो एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई है और इसके अनुसार आज का जो सार संक्षेप है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। धरना जो था ये 4 बजे तक चला और 2 बजे के करीब लोक सेवा आयोग के जो अनुसचिव और मीडिया प्रभारी हैं सुरेंद्र उपाध्याय जी, उन्होंने प्रतियोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए अंदर बुलाया। प्रतिनिधिमंडल में जितने भी लोग शामिल थे उसमें विक्की खान, सौरभ वर्मा, पंकज, अनीता गुप्ता, स्नेहा वर्मा वगैरह। तो वार्ता में सुरेंद्र उपाध्याय जी ने बताया कि PCSJ के रिजल्ट को निकलवाने में सारा संसाधन जो था वो व्यस्त हो गया था और इसीलिए पिछले 2 सप्ताह से LT का कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि 31 मई से, फ्रेंड्स आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि जून के पहले सप्ताह से आपको LT ग्रेड के जो रिजल्ट हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, यह न्यूज़ इसी की ओर अब इंडिकेट कर रही है। हालांकि कुछ और यूट्यूब चैनल ये भी बता रहे थे कि अब परिणाम नहीं आएगा, जुलाई में आएगा, तो लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परिणाम जो है जून में आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर परिणाम जो है जून में आना शुरू हो रहा है। तो 31 मई से जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि 21 जून को सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए, प्रौद्योगिकी मोर्चा संयोजक विक्की खान ने यह भी कहा कि अगर 21 जून को सोशल साइंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो 22 जून से फिर से धरना शुरू हो जाएगा। और इतने लोग इस वार्ता में शामिल रहे तो LT के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब तक LT के जितने भी परिणाम जारी हो चुके हैं तो उनमें कृषि पुरुष, संगीत पुरुष, संगीत महिला, गृह विज्ञान पुरुष, वाणिज्य पुरुष, वाणिज्य महिला, उर्दू पुरुष, उर्दू महिला, शारीरिक शिक्षा पुरुष और शारीरिक शिक्षा महिला, गृह विज्ञान महिला और संस्कृत महिला और संस्कृत पुरुष के कुल 13 विषयों के जो परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं। तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। शेड्यूल आप लोग वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic.in उस पर विजिट करके भी आप इसे प्राप्त कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कल से, यानी कि कल 29 मई है और कल जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है आवेदन पत्र और प्रमाणीकरण पत्र मिलेंगे। तो उनको जो 2 प्रतियों में आपको डाउनलोड करना है और उस पर जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई संशय है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसे क्लैरिफाई कर दूंगा। बहुत ही संक्षेप में वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें बनाकर आपको 2 कॉपी अपने फाइल की तैयार करनी होगी और इन 2 फाइलों के साथ
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो प्रतियों के साथ अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट को, कार्यक्रम के अनुसार प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय के परीक्षा भवन के प्रथम तल पर पूर्वान्ह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आपको उपस्थित होना है। तो देख लीजिए कि आपका जो है कौन सा विषय है और किस प्रकार से आपको और किस मीटिंग में आपको वहाँ पर बुलाया गया है। अगर कोई भी संशय हो तो आप निसंकोच कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो कास्ट लिस्ट है 29 मई की है, कोड नंबर 6 में 2 नंबर पर जो यहाँ पर मैटर लगा हुआ है, ये TGT 2016 बायोलॉजी से संबंधित है। और राधाकांत ओझा जी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं जीव विज्ञान बचाव पक्ष की ओर से, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल इसका जो है फाइनल हो सकता है, मतलब एक उम्मीद है। और मैं एक बात अपनी ओर से बताना चाहूँगा आप सभी लोगों की, समय भले ही लग रहा है लेकिन TGT 2016 बायोलॉजी जो विषय है वो बहाल ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, जो अगली अपडेट है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का एक बयान आया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामला में उन्होंने कहा है कि अच्छे और योग्य शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई थी प्रक्रिया। तो यहाँ पर सरकार का जो ये स्टेटमेंट है वो किस लिए है उसे आप समझ सकते हैं, यानी कि सरकार जो है ये इसी पक्ष की ओर जा रही है। और UGC नेट के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो परीक्षा जो कि 20 जून से शुरू हो रही थी उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं और इसके लिए आपको NTA.NET.NIC.IN पर विजिट करना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो सिक्योरिटी पिन डालकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरी अपडेट और उम्मीद करता हूँ कि सारी अपडेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। वार्ता काफ़ी संचित रखने की मैंने कोशिश की है, थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक्चुअली मैं, अब आप समझ रहे हैं मैटर को, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसको आप समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपको डाउट हो वो बताइएगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।